हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मेरे इंडिया से पार्सल आ चुके हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो देखते हैं चलो इनके अंदर क्या है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले चलो देखते हैं इस वाले पार्सल में क्या। सो सबसे पहले ये टॉप है, ये कोरियन टॉप है। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था। जो जो चीज़ मैंने मंगाई है मैं उनके लिंक सेंड कर दूँगी। और मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। चलो अब आगे दिखाती हूँ। एंड दिस इज, तो ये नोट वाला टॉप है। ये वाला एंगल थोड़ा क्लियर है तो इस वाले एंगल से करते हैं शूट। तो नेक्स्ट मेरा ये टॉप है ग्रीन कलर का। फिर आता है मेरा ये शरारा, जिन्होंने मेरी लोहड़ी वाली फोटोज या वीडियोस देखी होगी उनको पता होगा ये कौन से वाला शरारा है। तो मुझे ये अच्छा लगता है पेप्लम टॉप के साथ। ये इसकी बॉटम थी और ये इसका दुपट्टा। एक मेरा ये वाला टॉप आया है। ये वाली हील्स आई हैं, तो मैंने बेसिक पिंक में मंगवाई है हील्स क्योंकि जो मेरे पास चंकी तो मेरे पास इधर भी है हील्स। और मुझे बेसिक चाहिए थी जो हर आउटफिट के ऊपर चल जाए। और ये मेरा ब्लू कलर वाला टॉप, सैयद वाला टॉप। व्हाट इज दिस प्रिटी सा ब्लैक। ये मेरी दूसरी भी निकल गई। उसके बाद ये बहुत प्रेटी सब ब्लैक कलर का टॉप है। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेटी लग रहा, फ़ोन में इतना नहीं लग रहा पर पास से बहुत प्रेटी है ये। यहाँ पे ऐसा नोट वाला डिज़ाइन बना हुआ है, नीचे से ये फिटिंग के लिए स्ट्रेचेबल है ना। एक आई है मेरी ये वाली टी शर्ट, क्रॉप टी शर्ट, फीलिंग ग्रेट और समथिंग। ओह माय गॉड, इतने सारे कपड़े इतने टाइम बाद। ये मेरी एक और टी शर्ट। इसका भी कपड़ा बड़ा प्यारा है। वाओ कितनी क्यूट है ये, कि ये वाली टी शर्ट। तो ये थोड़ा कोरियन इंस्पायर्ड थे। ये है किसी चीज की प्लाजो पैंट्स। ये है मेरी प्यारी सी ब्लैक कलर की साड़ी। ये थोड़ी नोस्टैल्जिया टाइप है कि जैसे पहले जमाने की होती थी कि ये जॉर्जेट से टाइप का कपड़ा और नीचे बस डिजाइन सिंपल सी साड़ी है। ये इसका पेटीकोट है। ये मेरे दूसरे सूट का दुपट्टा है इसके साथ। यही पेटीकोट है? नहीं नहीं, ये पेटीकोट नहीं है। तो ये मेरी साड़ी है ब्लैक कलर की। कुछ और भी आया है। मेरा चूड़ा आ गया।
तो ये मैंने थोड़ा राजस्थान में इंस्पायर्ड थोड़ा मंगाया था अब की बार। तो ये वो है, और ये मेरा शादी वाला चूड़ा, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट चूड़ा। तो मैंने कुंदन का चूड़ लिया था, और ये मेरे को अब तक मेरे सभी चूड़ों में सबसे ज्यादा प्रिटी लगता है। थैंक यू ज्योति भाभी, क्योंकि उन्होंने ही चूज करवाया था, ये दिलवाया भी उन्होंने को नहीं था। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर बेस्ट। ये बहुत सारे बटरफ्लाई वाले टॉप्स, इयररिंग्स जो इसमें हर कलर की है। ये कुछ बिंदियां आई हैं, यू कैन सी हर कलर की है। ये मैं इंडिया में सबसे ज्यादा लगाती थी। ये कुछ स्टोन वाली बिंदियां, कुछ गिर भी गए इनमें से स्टोन। ये थोड़े मल्टी कलर वाले स्टोन, ये नॉर्मल रेड बिंदीज, ये फिर से मल्टी कलर बिंदीज। ये एक रबर बैंड आया है ऐसा, मेरे पास यहाँ पे भी सेम है। और ये मैं जो यहाँ आने के बाद लगा रही थी, ये मल्टी कलर बिंदियाँ होती है छोटी छोटी सी, प्यारी लगती है ये। सो दैट इज ऑल। और ये मेरे लिए मम्मा लेके आए थे, ये आई थिंक मेरा एनिवर्सरी आउटफिट रहने वाला है फिलहाल, आई एम नॉट श्योर। तो ये ऐसे फुल लॉन्ग ड्रेस है, बाकी आपको अगर मैंने एनिवर्सरी पर डाली वाली दिख ही जाएगी सारी ड्रेस, तो तभी सारी देखना, ऐसे नहीं दिखा रही मैं। ये है ग्रीन ड्रेस जो कोई मेरे लिए लेके आया था एज अ गिफ्ट। थैंक यू मासी, ये मेरे मासी मेरे लिए शादी में लेके आए थे, मुझे बहुत प्रीटी लगता था तो मैंने ये भी मंगवा लिया अपना। ये इसका दुपट्टा है, ये श्रक नहीं दुपट्टा ही है। तो इसके साथ दो स्टाइल है, आप इसको दुपट्टे के साथ भी स्टाइल कर सकते हो और श्रक के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। ये इसका क्रॉप टॉप है, इसका श्रक नहीं निकला, आई डोंट नो ये कहाँ है, ये मेरे पति का अंडरवियर निकला है। ये मेरे येलो सूट का प्लाजो, आह कितना प्रीटी येलो है। इतने सारे प्रॉब्लम, सो हैप्पी। ये हमारा टॉवल है, एक ये मैंने टैंक टॉप डाल मंगवाए थे ताकि किसी भी जैकेट शर्ट वगैरह के नीचे चल सके, क्योंकि यहाँ पे हल्की ठंड रहती ही है। तो उसके लिए लॉस एंजलस वाला। एक ये है शनेल बारबी फेक कॉपीज, ओ शनेल बेबी गर्ल है ये, शनेल बारबी। और ये टेडी वाली टी शर्ट, यूहू सो प्रेटी ना। तो ये सब कुछ थोड़ा कोरियन एस्थेटिक्स वाला है, एंड दोज हू नो आई लव टेडी बियर्स दे नो। आहा, ये तो मेरे साड़ी का ब्लाउज निकला है, आहा ओह माय गॉड। तो ये मेरी साड़ी का ब्लाउज है, ये इसकी बैक है, और ये इसका फ्रंट है, दिस क्यूट लेस। तो इन दोनों आउटफिट में से ही मेरा कोई एक एनिवर्सरी का आउटफिट रहने वाला है। स्टे ट्यून टू सी कि मैं कौन सा आउटफिट पहनने वाली हूँ। और जिनको नहीं पता, मेरी एनिवर्सरी आती है 14th of December, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी वैसे ही। ये ब्लैक भी है कैलिफोर्निया की, सेम टैंक टॉप। ये है ब्लू कलर का टॉप, ये थोड़ा कॉर्सेट वाइब्स में है। आहा।
अगर किसी को भी कोई ड्रेस पूछनी हो कि मैंने कौन सी ड्रेस कहाँ से ली है या किस वेबसाइट से ली है कुछ भी, तो वो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं बता दूंगी कि मैंने कहाँ से लिया है, या फिर आप लोगों को लिंक ही दे दूंगी। हाँ, दिस इज प्रिटी टॉप। तो यहाँ पे ये बहुत स्टाइल है, ये व्हाइट कलर का टॉप है, ये भी मेरे को बड़ा प्यारा लगा था। अभी मेरे को बस समझ नहीं आ रहा इसका वो बनेगा कैसे, पर आई फिगर इट आउट। तो ये क्रॉप टॉप है। हाँ, इस चीज का मुझे सबसे ज्यादा वेट था, इसमें क्या निकला। ओह, ये मेरी एक सैंडल निकली है। ये हमने लोटा मंगवाया था महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी तो मान लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तांबे का नहीं था। एक ये है व्हाइट कलर का ही स्वेटर। तो कपड़े कंप्रेस होके आते हैं, इस लेन के ऊपर इतना सब कुछ ऐसे हो रखा है कि आयरन नहीं हो रही है, पर ये सब सेट हो जाते हैं थोड़ा सा यूं झाड़ने वाड़ने पे ही, या फिर आयरन करने के बाद तो हो ही जाएंगे। तो ये मैंने ओवरसाइज टी शर्ट्स मंगवाई थी, और जितनी ये ओवरसाइज है आई थिंक मेरे हस्बैंड को भी आ जाएंगी, पर वो इतनी कलरफुल कभी ना पहने। बाकी हम ट्राई जरूर करेंगे पहनाने की। ये मेरे हस्बैंड का अंडरगार्मेंट, और ये मेरे करवा चौथ की थाल। ये शूज मेरे बेसिक ब्लैक, ताकि मेरे किसी भी आउटफिट पे चल जाए। ये मेरे करवा चौथ का लोटा विद सम माय अंडर गार्मेंट। छलनी निकाल लेती हूँ पहले, छलनी में भी एक मेरी छलनी मुड़ गई हल्की सी, पर आई थिंक मैं इसको ठीक कर लूंगी, मेरा चांद मुझे इसी में दिखेगा। एक टी शर्ट ये रही, मैं सबको बाद में ही करूंगी। ये मेरे भाई ने मेरे लिए सूट पसंद किया था, ये उसका दुपट्टा है, अरुण भाई आई नो दैट। तो मुझे इसका सूट भी देखना है, वैसे बहुत प्रीटी है ये, देखने से ही पता चल रहा है। व्हाट इज दिस, ये भी एक कोरियन टॉप है, ये इसके बाजू है, ये इसका सेट है, और ये इसके नीचे शर्ट स्टाइल है ये। आई थिंक मेरे को हल्का खुला आएगा, पर इसके यहाँ पे नोट है इसको टाई अप करने के लिए। कुछ ये रे, ये मेरी टाई एंड डाई की टी शर्ट। तो मेरे ऊपर शर्ट स्टाइल ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी सारी जो भी जीन्स मैं यहाँ पे लेके आई थी सब फ्लेयर्ड थी, मुझे खुले खुले कपड़े ही पसंद है, मैं टाइट कपड़ों में बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। कभी कभी फैशन के लिए डालती हूँ, और डेली में तो मैं बहुत खुले डालती हूँ। एक ये रही मेरी शर्ट, जो कि बहुत प्रीटी है, अब तो मैं कपड़ों वाली होगी। एक है ये जींस में टॉप, डेनिम टॉप, तो अभी डेनिम का ये भी यहाँ पे टाई करने वाला है, तो अभी डेनिम का बहुत ट्रेंड हो रहा था, ये तो मेरे अभी काम का है। सेकंड ये रहा मेरा शूज, ये भी एक टैंक टॉप है। ये आई है एक जेगिंग, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जॉब वगैरह के कपड़ों में आपको ज़्यादातर ब्लैक ही प्रेफर करते हैं कि ब्लैक कपड़े ही पहनो, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे फ्लेयर जींस अच्छी नहीं लगती,
तो आपको कुछ टाइट ही चाहिए होता है, तो ये वो है। और ये मेरा द प्रीटीएस्ट सूट, तो लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस विद दिस कार्निशल्स, ओह माय गॉड दिस इज सो प्रीटी। और आई थिंक ये दुपट्टा इसी का है आई थिंक, बाकी मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, बाकी मुझे लग इसी का रहा है, ये बहुत प्रीटी है। मेरे घर वालों आई लव यू, और थैंक यू मम्मी जी जिन्होंने मेरा सारा सामान भेजा, थैंक यू सो मच। ये इतना प्यारा सा शिफॉन का दुपट्टा है, ये मेरी प्लाजो पैंट्स है, ये अफगानी सलवार है, हाँ ये अफगानी सूट है मेरा विद ऑल दिस टेसल्स, और इसके गले पे ये वाला वर्क है विद दिस लेस। ओह फाइनली मेरी टाइट जींस है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद ना है, पर जॉब वॉब के लिए चाहिए रहती है, तो ये भी, ये कभी कभी कुछ आउटफिट ऐसे होते हैं जिनके साथ टाइट ही जींस अच्छी होती है, तो उनके लिए ये तो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थे, ये हलोवर जिनकी मेरे पास भारी मात्रा में कमी हो रखी थी, तो वो भी मेरे आ चुके हैं, आई एम सो हैप्पी। तो ये दौड़ेंगे, एक ये ब्लैक कलर में है वही टाइट जींस, मेरे सारे जगह कपड़े कपड़े हो गए, एक ये लाइट ब्लू कलर में वही टाइट जींस, और ये है मेरा शादी वाला दुपट्टा जो मुझे करवा चौथ पे चाहिएगा, तो ये वो है। एक सेकेंड गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये निकली है शर्ट, और आई थिंक ये भी मेरी ही है, और शायद मेरे पति देव की, पर मेरे पति देव को इतनी छोटी दोनों आने वाली, बाकी विल चेक, नहीं होने की आई है तो मैं तो अपने कपड़ों को लेके भी श्योर नहीं, बताओ मेरा क्या आएगा, चलो देखते हैं क्या आएगा। तो ये जो मैं उसके श्रग की बात कर रही थी, ये उसका श्रग निकल गया है, ये रहा। शादियों में घर और ससुराल से तो होते ही इतने प्यारे कपड़े, पर मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे कपड़े ला रखे थे ना, मैं मामा मासी ने तो मुझे सब पसंद करवाया था, तो सब दिल दिल खुश हो जाता है ऐसे कपड़ों को देख देख के। शादी करने का बस एक यही फायदा है, और मेरे बल के बंदे ने तो शादी इसलिए की थी कि वो बहुत सारी ड्रेसेस आ जाएंगे, कपड़े आ जाएंगे, पर फिर मैं उसके बाद बहुत दुखी हो गई थी कपड़ों से, पर यहाँ आके फिर मैं तंग हुई कपड़ों के बिना, अब फिर मैं बहुत खुश हो रही हूँ, और थोड़े टाइम बाद होपफुली फिर से तंग होंगी। और ये है मेरा येलो वाला अनारकली सूट, आई थिंक नहीं नहीं अनारकली नहीं है, ये स्ट्रेट ही है, तो ये भी बहुत प्यारा सा येलो ही कलर है, हाँ ये वही वाला है जिसका मैंने बॉटम दिखाया था, कितना प्यारा डिजाइन है, बिल्कुल एस्थेटिक सा, इसके थोड़े बाल निकले से पड़े हैं, ऐसे वाले कपड़े की लेस दुखी करती है बस, बाकी दुपट्टा बड़ा प्यारा है इसका। और अभी तो मेरी ड्रेस भी नहीं निकली, ये मेरा साड़ी का पेटीकोट, तो अब उसके अंदर ये कपड़े बचे हैं बस, और आई थिंक ये सारे ही टी शर्ट है, एक तो ये टी शर्ट है H&M की, एक और सैंडो, एक ये बोल स्ट्राइप वाली टी शर्ट, ये क्या लिखा हुआ है, लव टिकट्स, और इतना प्यारा सा ये भी छुपा बना हुआ है, ये मतलब देख भी सकते हैं 3D वाला है, ये वाली टी शर्ट है,
और एक ये वाली है, ये थोड़ी ओवर साइज वाली है, ये इट सेज फ्रेंड, और बस इतना ही समझ आया मेरे। तो मेरे ये वाला पार्सल हो चुका है खत्म। मिस्टर मोहित राणा, एक सेकंड आना प्लीज। तो चलो देखते हैं दूसरे वाले में क्या है। तो सबसे पहले खोलो, निकालो, मेरा लोवर। ओह, ये मेरे पति का लोवर आया है। ये कैसी स्ट्राइप है? FF की। दो। मेरी जैकेट। एक मेरी जैकेट आई है। जैकेटों का होगा ना, नासा लग रहा है ना, इनको लगेगा टाइम थोड़ी आएगा। एक लोवर तेरा। मेरा है ये? हाँ, मेरा तो आएगा। ये मेरा लोवर है। तेरी जैकेट। आए हाय, रुक जा भी। आप इसके पूछते से मेरे ऊपर डाल दो। मेरी ड्रेस को ये हाल कर रखा है उसने। ये सारे ड्रेस बैक क्यों आएंगे? क्या बचा होगा बेचारे में? ये तेरा लोवर। एक और जैकेट है मेरी। ये मेरा लोवर। ये आपका है? ये ऐसा कलर का? ये मेरा, ये तेरा। आय हाय, क्या हुआ? आप मेरे ऊपर ऐसे क्यों फेंक रहे हो? आराम से, और मेरे सारे सामान ऐसे टूट फूट जाएगा। ये बेडशीट है। हाँ, ये हमारी एक बेडशीट आ गई है। ये मेरा लोवर आ गया। गर्मी यार, मम्मी को ये बोलना चाहिए था, मैं लाइट कलर वाली चाहिए ना, बढ़िया रूम में डार्क कलर। इस कलर का लोवर है मेरे पास? इस कलर का कहाँ है? वो हल्का सा अलग कलर का है। ये मेरा लोवर है, वो ऐसे ही है, वो ग्रे कलर। ये भी है किसका? ये आपका है। ये मेरे पति का लोवर है। ये क्या? ये मेरा लोवर होगा। ये मेरा लोवर है। और मेरे ऊपर ना फेंकना। ये भी तेरा लोवर। मेरा लोवर है। इसमें सारे लोवर लोवर दे रखे हैं। ये मेरा शायद। हाँ, ये मेरा। हाँ, ये आपका है। Okay, that's all. हो गया बस ये खत्म। हाँ ना, शिवलिंग निकले, निकाल देना ना, पता नहीं। और ना मम्मी ने जो कंकर बोली थी ना, वो भी निकाल देना यार। मेरे ड्रेस पे इसको खुलवाओ प्लीज। सीजर लेके आओ यार, चक्कू नहीं, पागल हो यार, चक्कू नहीं। मैं खोल दूंगा अपने आप, कर दे यार, चक्कू दे। इसको बेचारी को क्या ही बचो होगा, केम तो इसकी गई सारी। यार बता, सारी ड्रेस हल्का वैक्यूम करना था, इन्होंने तो जमी जोड़ के दे दिया। फीलिंग शार्शा। मेरे पे तो ब्राइट कलर का कुछ है भी नहीं, ऐसा मतलब रेड कलर का ही। जो लोन उड़े दिया ना इस पे यार। और क्या, कुछ भी नहीं बचा होगा बेचारी में। और शुक्र है नेट के लिए कपड़े के, कम से कम इसमें ब्रश व्रश हो जाएगी। सो यही सब था मेरे पास। सर में मेरे ड्रेस की हालत देख के करो जो तक स्टे ट्यून्ड रहे कि क्या होएगा, मैं क्या ड्रेस पहन पाऊंगी या नहीं, या मैं बिना ड्रेस के रह जाऊंगी। तो चलो देखते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। वेलकम तो मैंने वैसे पहले ही कर दिया था, अब मुझे पता नहीं मैं ये क्लिप पहले ऐड करूँगी या लास्ट में करूँगी। तो ये करवा चौथ के बाद की वीडियो है, मतलब जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही है उसी दिन की वीडियो है। मैंने एक उनमें से टी शर्ट भी डाली है। अब सब बोलेंगे कि सफाई नहीं कर रखी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। अभी इसके बाद हम अपनी साफ़ सफाई में लगेंगे, क्योंकि डेली काम भी करना होता है, तो सुबह जल्दी जाना और रात को लेट आना, तो उसके बीच में साफ़ सफाई का इतना टाइम नहीं होता। तो अभी हम करेंगे, अभी पहले ये वीडियो वाला काम कर ले, क्योंकि फिर ये बहुत टाइम तक डिले हो जाती।
चलो इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं आपको सारे डिटेल्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो अब सब पूछेंगे कि मेरे फेस पे क्या हो रहा है, इतने पिंपल्स वगैरह वीडियो में दिख ही रहे हैं। अब तो फिर भी काफ़ी ठीक हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत है कि किसी की भी स्किन अच्छी नहीं रहती, एक तो हेयर्स और स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। कोई कोई ऐसी ही लड़की होगी जिसको यहाँ का पानी सूट करता है, इवन लड़कों तक का भी यही हाल है कि सबको इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं और हेयर इतने बेकार हो जाते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, ड्राई और डल हेयर हो जाते हैं, सबका यही हाल है मतलब, और ब्रेकआउट्स भी। और मेरे सेंसिटिव स्किन है, मेरे को अब तक यहाँ का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो अब तक सूट किया हो, आगे मेरे को पता नहीं। अभी मैंने इतना ज़्यादा किया भी नहीं है कि मैं डेली प्रोडक्ट चेंज कर रही हूँ, मैंने 4-5 प्रोडक्ट लेके देखे हैं, उनमें से मेरे को कोई सूट नहीं किया। तो मैं अभी मैं पैसे वेस्ट करना नहीं सोच रही, पहले मैं अच्छे से देखूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट सूट कर सकते हैं। फिलहाल का जो मैंने पिंपल्स के लिए अभी स्किन केयर किया था कि थोड़ा स्किन ठीक हो जाए, तो मैंने अपना सिर्फ डाइट में चेंजेस किए थे। मैं कुछ भी थोड़ा तला वला कम कर दिया था, खाना नहीं छोड़ा था, कम किया था बस। और अपने फेस पे मैं जस्ट वाटर ही यूज़ कर रही थी, मैं शादी के पहले भी सिर्फ वाटर ही यूज़ करती थी और मेरी स्किन काफ़ी अच्छी रहती थी, ना कभी कुछ ऐसा होता था, ना मैं कभी मेरे को कोई फेस वॉश शूट किया। इंडिया में भी बहुत कम प्रोडक्ट सूट किया मेरे को, और ये शादी वालों के लिए भी है जिनकी फेस को कुछ भी सूट नहीं करता। मेरी तरह सेंसिटिव स्किन है तो वो सिर्फ अपना वाटर पे रहे, क्योंकि आप अगर कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप अपनी स्किन को और ज़्यादा बेकार ही कर रहे हो। और शादी के बाद मैंने प्लम की किट की थी, विटामिन सी वाली किट फुल यूज़ की थी, उसी का फेस वॉश, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, जो जो भी होता है मतलब सब उसी का किया था, तो वो मेरे को सूट कर गई थी। उसका मॉइस्चराइज़र भी, सीरम भी और फेस वॉश था, हाँ यही सब प्रोडक्ट थे, तो वो मेरे को सूट कर गई थी। तो यहाँ पे वो मेरे को मिले नहीं, विटामिन सी रेंज नहीं मिली मेरे को, टी ट्री मिल रही थी, टी ट्री मेरे को पता नहीं था सूट करेगी या नहीं, इसलिए मैंने ली नहीं। अब चलते हैं डिटेल्स के ऊपर, पैकेज की डिटेल्स के ऊपर, कि इंडिया से सामान कैसे मंगवाया, कितने पैसे लगे, कितने दिन लगे। तो ये आई थिंक हमने 16 को दे दिया था अपना सामान, और उन्होंने 17 तक शायद मेरा कूरियर कर दिया था, और 22 को हमारा सामान पहुँच भी गया था। तो मतलब 5-6 डेज में आपका सारा सामान आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा विद इन वीक आपका सारा सामान आप तक पहुंच जाएगा। तो और पैकिंग वगैरह कैसे होती है, पैकिंग देखो बॉक्सेस में ही आते हैं, आपको जस्ट जो भी आपके कपड़े हैं या जो भी आपको सामान भेजना है तो वो आप जो भी आपका कुरियर कर रहा है बंदा उसके पास भेज दो, वो खुद से पैक करते हैं कि क्या कुछ करना है। अगर आप ड्रेसेस मंगवा रहे हो मेरी तरह तो वो वैक्यूम करके भी मंगवा सकते हो और बिना वैक्यूम के भी मंगवा सकते हो। और अगर कोई वैक्यूम करवाना है तो वो मेरी तरह गलती ना करे कि फुली वैक्यूम करवा दे ड्रेसेस को, और उस टाइम हमने भी ध्यान किया कि फुली वैक्यूम हो जाएगी तो वो हाफली पार्शली वैक्यूम करवाए। इसके लिए या तो अमेज़ोन पे बैग आता है वैक्यूम बैग, वो यूज़ कर लेना, वो बेटर है क्योंकि वो खुद से वैक्यूम करने होते हैं और उसमें आप ड्रेसेस को अच्छे तरीके से रख सकते हो। मेरी तो बैग और ग्रेस कपड़े की ड्रेस थी तो वो ठीक है, वो आयरन वायन करके थोड़ी सेट होगी, ऊपर से थोड़ा डिज़ाइन में फ़र्क आ गया था बट इतना नहीं आया था। बाकी जिनकी नेट की ड्रेसेस है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, या जिनमें मोती वगैरह वाला ज़्यादा वर्क है वो वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा ध्यान रखें। अच्छा सामान क्या क्या मंगवा सकते हो, सामान आप कुछ भी खाने पीने का भी मंगवा सकते हो, बस आप लिक्विड सामान ज़्यादा नहीं मंगवा सकते, लिक्विड सामान के लिए मना करते हैं, और ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं मंगवा सकते। कुछ खाने का बना हुआ वो मंगवा सकते हो, मसाले वगैरह वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे सब मिल जाता है, आप जो चीज़ बोलोगे आपको वो यहाँ पे मिल जाएगी, बस थोड़ा टेस्ट का फ़र्क होता है, इतना अपने वाला नहीं होता, हल्का सा यहाँ पे फ़र्क होता है, और थोड़ा मिलावटी भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ का आटा भी ना हल्का सा मैदे जैसा होता है, रिफाइंड फ्लावर बोल सकते हैं जिसे मैदे को भी बोलते हैं अपना। अगर किसी को पता है तो जब जवे बनाते हैं तो कुछ तो मैदे के ही बनाते हैं, कुछ आटे को छान के बनाते हैं, तो वो छना हुआ आटा यहाँ पे मिलता है तो वो मैदे की तरह थोड़ा स्ट्रेची होता है, तो ये फ़र्क होता है सामान का। बाकी मेकअप वेकअप में, मेकअप वगैरह में आप लिपस्टिक और ये सब मंगवा सकते हो, आप ज़्यादा लिक्विड लाइक फेस वॉश की जो बॉटल्स होती है या जेल बेस्ड मंगवा सकते हो कुछ भी, और जो लिक्विड होते हैं ना प्रॉपर लिक्विड जैसे टोनर हो गया, टोनर की बड़ी बॉटल्स आप ऐसी चीज़ें नहीं मंगवा सकते। बाकी अपना आप मेकअप का भी सारा कुछ मंगवा सकते हो, बर्तन वर्तन आप सब कुछ मंगवा सकते हो, कपड़े वपड़े तो देखो है ही है। बाकी सब यही था बस, जो भी जिससे भी आप अपना सामान पहुँचवा रहे हो आप उससे भी पूछ सकते हो कि अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ है कि आप भेज सकते हो या नहीं,
और चार्जेस, सबसे बड़ी बात होती है कि चार्जेस कितने लगते हैं। तो हमें लगा था पर केजी 780 रुपीज़, तो 780 में हमारा मतलब पर केजी था, और हमारा टोटल सामान था 32 केजीज, और जिसके ऊपर हमारे चार्जेस थे आई थिंक 16,000 और समथिंग, इतने हमारे चार्जेस लगे थे, 16 या 26, मेरे को नहीं पता, और अपना खुद से कैलकुलेट कर लेना, मेरा मैथ्स माइंड में तो इतना अच्छा नहीं है, मैं हाथ से करके बता सकती हूँ कि कितना लगा था कितना नहीं, तो अपना सब देख लेना। 780 पर केजी, और हमारा टोटल था 32 केजी, तो आपका जितना भी टोटल होएगा वो। और ये हाँ हाँ, प्राइस वेरी करता है कि आप किससे, मतलब जो भी आपका सामान भेजने वाला बंदा है कि वो कितने लेगा, वेरी करता है ये भी, मतलब ये नहीं है कि 780 ही लेगा, पर यही जनरली यही प्राइसेस रहते हैं 700 to 800, कोई कोई 1000 या 1000 से अबव लेता है, जो लिक्विड सामान भी भेज रहा है आपका, मतलब लिक्विड जो भी, अगर आपको कुछ पर्सनली ऐसा कुछ स्किन केयर है जो आपको सिर्फ इंडिया का ही सूट करता है और आपको इधर मंगवाना है, तो उसमें आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं, अदरवाइज चार्जेस यही रहते हैं। और अब ये भी बता दिया सामान कितने देर में आता है। अब मुझे लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो मैंने नहीं बताया, बाकी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मेरे से पूछना है, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगी, मतलब कमेंट कर देना या मुझे DM कर देना। मेरी आईडी है मोहित चौहत 1826 इंस्टाग्राम पे। बाय।